वेलकम टू प्रभास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के लड्डू के रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। इस बेसन के लड्डू को हम बनाएंगे बूरा शक्कर यानी तगार से। तगार से बनाई गई इस बेसन के लड्डू को आप बहुत पसंद करेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन, 1 कप तगार। आप यहाँ पर शुगर पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है, थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं और ये है इलायची, जिसे मैं बाद में पाउडर करके यूज़ करूँगी। इस लड्डू को अगर आपने दरदरा पीसा हुआ बेसन से बनाया तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पर मैं बारीक पिसी हुई बेसन को यूज़ कर रही हूँ। इस बेसन के लड्डू को दानेदार बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ मैं इस रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बनाते हैं बेसन के लड्डू। इस लड्डू को बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 ही कप से मेजर करना है। कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गैस पर रखा है। सबसे पहले बेसन को भून लेते हैं। गैस को फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर लो पर रखना है। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाती है हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे भून लेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, अब मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ। अगर आपने पहले से ही तगार को रेडी कर लिया है तो आप इस लड्डू को जल्दी से जल्दी बना सकेंगे। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो रखना है और इस बेसन को भून लेना है। अगर आपने यहाँ पर गैस के फ्लेम को हाई पर रखकर इस बेसन को भून लिया तो ये बेसन कच्ची रह जाएगी और जब आप इस बेसन के लड्डू को खाएंगे तो ये आपके मुंह में चिपकने लगेगी। इसीलिए गैस के फ्लेम को स्लो पर रखकर इसे भून लेना है। बेसन को इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। बेसन में खुशबू आ रही है, ये बेसन धीरे धीरे अभी पकने लगी है। ये बेसन अभी अच्छी तरह से कुक हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे दानेदार बना लेते हैं। इस बेसन को दानेदार बनाने के लिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार देती हूँ। इस तरह से पानी के छींटे मारने से ये बेसन दानेदार बनेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने अभी तक यहाँ पर बंद नहीं किया है। इस तरह एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आप यहाँ पर दानेदार बेसन को यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी दानेदार बन गई है। अब इस स्टेज में हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। मैंने यहाँ पर इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल लिया है। अब इस मिक्सचर को थोड़ी देर इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मिश्रण ठंडे होने तक हम इस बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अभी ये बादाम भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं।
ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसे टच भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल ही गर्म नहीं है। इस स्टेज में हम इसमें बूरा शक्कर को डाल देंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गर्म मिक्सचर में कभी भी इस बूरा शक्कर को न डालें, वरना ये बूरा शक्कर जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और फिर से ये आपकी मिक्सचर लिक्विड बन जाएगी। अब इस मिक्सचर को डालकर हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इस मिक्सचर में इसी वक्त इलायची के पाउडर को भी मिला देंगे। इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, अब ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे लड्डू को बना लिया है। आप भी इसी तरह से इस लड्डू को बनाइए, और आप बिगिनर है तब भी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपके एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर भी कीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।